नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2019 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कल यूपी के बाद आज के इस वीडियो में हम पिछले एक वर्ष के बिहार के जो भी करंट अफेयर रहे हैं उन करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो ये इसका भाग एक होगा और कल शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम मध्य प्रदेश राज्य को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे बिहार के बारे में। तो बिहार की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो छोटा सा राज्य आपको दिख रहा है, ये है बिहार। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो ये कुल मिलाकर के तीन राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। पहले हो गया उत्तर प्रदेश, जो कि इसके पश्चिम में है। इसके दक्षिण में है झारखंड, जो कि पहले इसी का हिस्सा था। और फिर पूरब में इसके है पश्चिम बंगाल। और उत्तर में ये नेपाल देश के साथ में सीमा बनाता है। और अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड 1 नवंबर वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे थोड़ी सी बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। तो प्रत्येक वर्ष बिहार में 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार इसका 107वां स्थापना दिवस था। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी है, तो पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है। राज्यपाल यहाँ के हैं फागू चौहान। विधानसभा में यहाँ की 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी यहाँ पर है जिसमें 75 सीटें हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का है पटना में। और इसके बाद में लोकसभा में है 40 सीटें और राज्यसभा में है 16 सीटें। बिहार का जो उच्च न्यायालय है यहाँ पर अभी एक नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो अगर आपको वह नाम पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी जल्द ही मुश्किल से 5 दिनों पहले ही उन्होंने शपथ ली है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बिहार के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। चलिए अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। कृषि कुंभ 2019 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया इस वर्ष बिहार के मोतिहारी जिले में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसका जो उद्घाटन है कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और उनके साथ थे उस समय बिहार के जो गवर्नर थे लालजी टंडन। याद रखिएगा, लालजी टंडन उस समय बिहार के गवर्नर थे, हालांकि ये अब मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। बिहार के वो इस समय कौन हैं? फागू चौहान। तो मोतिहारी जिले में कृषि कुंभ 2019 का आयोजन किया गया था। प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार के भोजपुर जिले में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इन्हें भारत के आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता था। बहुत ही प्रतिष्ठित गणितज्ञ थे भारत के। और आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत था, उसको भी इन्होंने चुनौती दी थी। भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और नासा का जो अपोलो मिशन था वह जब लॉन्च किया जा रहा था तो उस समय उनका कंप्यूटर खराब हुआ था। तो उस समय इनके द्वारा कुछ गणनाएं की गई थी और वह गणनाएं बिल्कुल वही थीं जो बाद में कंप्यूटर के द्वारा बताई गई थी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये आप देख सकते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह को। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ वह कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री थे? तो ये कुल 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री थे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बिहार के ये 14वें सीएम थे और कांग्रेस पार्टी के नेता थे। तो पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार बिहार के कोसी नदी को किस नदी से जोड़ने के लिए 4900 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी? तो बिहार की जो कोसी नदी है जिसे बिहार का सोख भी कहा जाता है, यह जोड़ी जाएगी मेची नदी से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर दो नदियों को तब जोड़ा जाता है जब एक नदी में पानी ज़्यादा होता है और दूसरी नदी में पानी होता है कम। तो इस पानी को आपस में, इन दोनों को आपस में नहरों के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, जिससे जिसमें ज़्यादा जल है वह कम जल वाले नदी में चला जाए। तो ज़्यादा जल किसमें है? कोसी नदी में। और सूखी नदी है मेची, तो इसीलिए इनको जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बिहार के राजगीर जिले में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जुलाई माह में इसका आयोजन किया गया था और खेल व युवा मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसमें बौद्ध धर्म के दो मुख्य चीज़ों पर फोकस किया गया था। एक तो था सत चित्त आनंद और दूसरा था निर्वाण धर्म धम्म परंपरा।
तो इसी के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन था और इसका आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय और दिल्ली सेंटर ऑफ स्टडी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में बिहार का नीचे से कौन सा स्थान था? तो बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब ये जो सूची जारी की गई थी इसमें बड़े राज्यों की सूची में कुल मिलाकर के 21 राज्य सम्मिलित थे और इन 21 राज्यों में 21वें स्थान पे था यूपी और 20वें स्थान पे था बिहार। लेकिन अगर हम लोग नीचे से बात करें तो नीचे से था यूपी पहले पे और बिहार यहाँ पर था दूसरे में। ये जो रिपोर्ट है जारी की गई थी नीति आयोग के द्वारा, लेकिन इसे बनाया था स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व बैंक के साथ में मिल करके, और इस सूची में पहले स्थान पे केरल था, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे यहाँ पर महाराष्ट्र था। अगला प्रश्न है, बक्सर ताप विद्युत संयंत्र जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई किस वर्ष तैयार होगा? तो ये बनकर के तैयार हो जाएगा 2023 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा और ये बक्सर के चौसा में बनाया जाएगा, यानी कि बक्सर जिले के चौसा एक यहाँ का ब्लॉक है जहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। क्षमता इसकी होगी 1320 मेगावाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह कितने रुपए की पेंशन दी जाएगी? तो ये घोषणा की बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने और इसके अंतर्गत जो भी 60 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्ति हैं उनको 400 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में दी जाएगी और 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ। लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये केवल बीपीएल परिवारों के लिए है। किसके लिए? बीपीएल परिवारों के लिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन नेपाल से बिहार के किस जिले को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी नेपाल से बिहार के मोतिहारी जिले को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये जो पाइपलाइन है नेपाल में एक स्थान है अमलेखगंज, उसको बिहार के मोतिहारी से जोड़ेगी और इसकी लंबाई है 69 किलोमीटर। लंबाई भी आपको याद रखनी है क्योंकि अभी हाल ही के एक एग्जाम में सीधे इसकी डिस्टेंस पूछ ली गई थी, यानी कि ये जो पाइपलाइन है कितनी लंबी है। इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। तो ये आप इसका मैप भी देख सकते हैं, ये है बिहार का मोतिहारी और यहाँ पर है नेपाल का अमलेखगंज। 69 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है। 324 करोड़ रुपए में इसका निर्माण 15 महीने में किया गया और प्रत्येक वर्ष 2 मिलियन टन यहाँ से जो फ्यूल है उसको भेजा जाएगा भारत से नेपाल में। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए किस नाम से गांव स्तर पर बिहार सरकार द्वारा एक पहल शुरू की गई? तो इसका नाम है जल चौपाल, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसके अंतर्गत जल संरक्षण, इसके अलावा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है और किस प्रकार से जल के मिसयूज को रोका जाए, इसी के लिए जल चौपाल का आयोजन किया जाएगा। और इसका जो आयोजन है वह इंजीनियर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला कर्मियों द्वारा संचालित बिहार का पहला पोस्ट ऑफिस किस जिले में खोला गया? तो ये जो नया पोस्ट ऑफिस है बिहार का, ये खोला गया है पटना जिले में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो पटना में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थान है, जो कैंपस है, उसी में इसको खोला गया है। तो ये आपको याद रखना है। और इसका उद्घाटन संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि ये जो रविशंकर प्रसाद जी हैं ये बिहार के किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं? और यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्घाटन के दौरान ये सारी महिला कर्मी हैं जो कि इस पोस्ट ऑफिस में काम करेंगी और ये बिहार का पहला ऐसा पोस्ट ऑफिस बना है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार नीचे से किस स्थान पर रहा? अब नीचे से ही बात होगी, यूपी और बिहार की जब बात होगी तो यहाँ पर ये नीचे से रहा चौथे स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो नीति आयोग के द्वारा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया इसमें बड़े राज्यों में 20 राज्य सम्मिलित थे और इन 20 राज्यों में जो उत्तर प्रदेश है वह तो एक बार फिर से रहा 20वें स्थान पे और बिहार रहा यहाँ पर 17वें स्थान पे। लेकिन अगर हम लोग नीचे से बात करते हैं तो उस स्थिति में बिहार रहेगा चौथे स्थान पे। तो दोनों तरफ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में एक नए
टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव रखा गया। तो ये है कैमूर जिला, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो कैमूर जिला है, ये कैमूर जिले में एक है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहीं पर ये टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव रखा गया है। और बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो पश्चिमी चंपारण जिले में ये नेपाल और बिहार की सीमा पे है, और वाल्मीकि एकमात्र राष्ट्रीय पार्क भी है बिहार का। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कैमूर में नया टाइगर रिजर्व प्रस्तावित किया गया है बिहार की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, गंगा के किनारे बसे जिलों में किसानों द्वारा जैविक खेती करने पर सरकार द्वारा कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है गंगा के किनारे जो बिहार के जिले हैं, तो उसे सरकार के द्वारा 13,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और गंगा नदी के किनारे बिहार के कुल मिलाकर के 12 जिले स्थित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सरकार ने हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत कब तक सभी को स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य इन्होंने रखा है मार्च 2020 का। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जल जीवन मिशन के बारे में, जो कि है किसका, केंद्र सरकार का। और इसके अंतर्गत भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2024 तक भारत के जो सभी घर हैं ग्रामीण इलाकों में, उनको हम पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ जल मुहैया कराएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तैरते हुए सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका निर्माण किया जा रहा है दरभंगा जिले में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है, इसका निर्माण किया जा रहा है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। और इसकी क्षमता होगी 2 मेगावाट। कितनी? 2 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की 52 बूटी साड़ियों को यूनेस्को सील ऑफ एक्सलेंस के लिए चुना गया। तो ये जो साड़ियाँ होती हैं 52 बूटी, मुख्य रूप से ये मिलती हैं नालंदा जिले में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यूनेस्को के द्वारा हस्तकला के लिए मिलने वाला यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसका नाम है सील ऑफ एक्सलेंस। तो याद रखिएगा 52 बूटी जो साड़ियाँ हैं ये मिलती हैं नालंदा जिले में। अगला प्रश्न है, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वन विज्ञान यानी कि फॉरेस्ट्री कॉलेज की नींव किस जिले में रखी। तो ये बनेगा बिहार का जो पहला वन विज्ञान स्कूल होगा मुंगेर जिले में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 105 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार के द्वारा एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की भी नींव यहाँ पर रखी गई। तो दोनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का सबसे बड़ा एसी वेटिंग हॉल किस स्टेशन पर खोला गया है। तो ये खोला गया है बिहार के पटना जंक्शन पर। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा एसी वेटिंग हॉल है, यहाँ पर आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, इसमें 500 लोग एक साथ रेस्ट कर सकते हैं। यानी कि इस वेटिंग हॉल में एक साथ रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजगीर के विश्व शांति स्तूप के गोल्डन जुबली समारोह का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये जो विश्व शांति स्तूप है, यह राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ियों पर स्थित है। और इसकी नींव रखी गई थी 1965 में उस समय के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी के द्वारा। और इसका उद्घाटन बीबी गिरी के द्वारा, जो कि हमारे राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा 1969 में किया गया। तो इस बार इसका 50वां स्थापना दिवस था। और इसका उद्घाटन किया वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो ये हैं बिहार के 22वें नंबर के सीएम। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पार्टी का नाम मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है, ये है जनता दल यूनाइटेड। और इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, वह थे श्री कृष्ण सिंह। आज़ाद भारत के ये पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के। और पहले राज्यपाल कौन थे? जयरामदास दौलतराम। क्या नाम था? जयरामदास दौलतराम। और वर्तमान में फागू चौहान। और ये बिहार के 29वें गवर्नर हैं। तो गवर्नर के नाम और मुख्यमंत्री के नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा मैग्नीशियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण पान मसाला के कितने ब्रांड को बैन किया गया। तो ये जो ब्रांड थे पान मसाला के,
इनकी संख्या थी 12, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो ये हमारे जो दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है, और इसीलिए जिन पान मसाला के ब्रांड में इनकी मात्रा ज़्यादा पाई गई उन्हें बिहार सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य को कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला बिहार को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मुख्य रूप से ये जो पुरस्कार है बिहार राज्य की सरकार को कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने और जो योजनाएं थी किसानों के लिए उसको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर ग्रुप के द्वारा दिया गया। और पुरस्कार मिला किसे? जो बिहार के कृषि मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, और इनको दिया किसने? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नबीनगर सुपर ताप ऊर्जा संयंत्र के निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है औरंगाबाद जिले में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये जो नबीनगर सुपर ताप ऊर्जा संयंत्र है इसका निर्माण नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि भारत की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो इसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये जो सुपर ताप ऊर्जा संयंत्र होगा इसके द्वारा न केवल बिहार को बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को भी बिजली की सप्लाई की जाएगी। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि बिहार का पहला आधार सर्विस सेंटर का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है बिहार के पटना जिले में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग आधार सर्विस सेंटर की बात करें तो अगर आपके आधार में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो इन पे जाकर के आप सीधे इसमें सुधार करवा सकते हैं। और पहला कहाँ पर खुला था ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पहला खुला था दिल्ली और विजयवाड़ा में, इन दोनों में खुला था पहला। और पटना में जो खुला है ये वैसे बिहार का तो पहला है लेकिन भारत का ये 10वां आधार सर्विस सेंटर है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, अगला जो इसका पार्ट होगा उसमें हम लोग अन्य महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर होंगे बिहार राज्य से उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।